जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है, मैं यूपी कानपुर से रहने वाला हूँ और मेरी उम्र है 31 साल। मैं प्रोफेशनली एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। मैं अपने लिए ये करना चाहता हूँ कि मैं भी सिंगर बनूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ, मुझे भी लोग जाने पहचाने। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। और आप तो पटका पटका बंद कर रहे हैं, ये कैसे? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा जी, कहाँ चलाते हैं आप? दिल्ली में ही चलाता हूँ। तो क्या करते हैं आप, ऑटो रिक्शा चलाते हो, गाना गाते हैं? चलाते चलाते भी गाता हूँ, स्टैंड पे खड़ा होता हूँ तो उधर भी गाता हूँ। कौन सा? जिंदगी एक सफर है सुहाना, वैसा वाला जी। और सवारियाँ और खुश होती होंगी कि हाँ, एक अच्छा सा गाना गाने वाला। एक गुनगुनाता हूँ तो कोई जिनको अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि सुनाओ, तो फिर और मज़ा आता है। सफ़र अच्छा, पता नहीं चलता कब गुजर जाता है। क्या सोच कर आए हैं? मेरा सपना है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। तो मेरी वाइफ टीचर बनना चाहती है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको टीचर बनाना और आगे तक पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि अच्छा, उनका टीचर बनने का सपना पूरा कर सकूँ। आपको पता है कि जिस देश में आप ये खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, उस देश में ऐसे बहुत सारे प्रतापी हस्बैंड्स हैं, पति हैं जी, जो अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकलने का मना करते हैं। ऐसे ज़माने में अगर आप ऐसी बात करें अपनी पत्नी के लिए, अगर आपका ध्येय ये है कि आप अपनी पत्नी को टीचर बनाएं, तो आपको बहुत, आपको सलाम, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। चलिए सुनते हैं आपको ट्रैक। हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। विशाल, जिस खनक है ना जो तुम्हारी आवाज में, जो प्रोजेक्शन है, जो नूर है आवाज में, वो तो बहुत ही कमाल है। मतलब तुमने शुरू किया और उधर ही एकदम जाके दिल को लगे आप। गाने में थोड़े थोड़े फ्लॉज है, वो तो आपने पहली बार ट्रैक पे गा रहे हो, आप इतने बड़े मंच पे आके खड़े हो, आप सोनू जी और श्रेया जी के सामने गा रहे हो, आपकी बीवी वहाँ पे खड़ी है, वो उसका मतलब उसके जज्बात कहाँ भाग रहे होंगे। पर मुझे इतना ही कहना है आपको कि बहुत जल्दी वक्त आने वाला है विशाल, कि जब आप अपनी बीवी को गाड़ी में बैठा के उसकी स्कूल जहाँ सिखाने वाली है वो, तुम वहाँ उसको लेके जाओगे। और ये जो तुम्हारे जज्बात है ना, ये तो तुम्हारे कमाल की बात है। और उस चीज को, ये सपना जो तुम्हारा है ना, ये तुमको कहाँ लेके जाएगा तुमको मालूम नहीं है। गॉड ब्लेस यू, गॉर्जियस सर। हम लोग दोनों का गला सूख गया था बात थी। विशाल जी, एक मिनट यार। अच्छा विशाल जी जी, अगर मैं ऑटो चलाता होता जी, और मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी ने इंस्पायर ना किया होता जी, और मुझे पहली बार एक्स फैक्टर जैसे मंच पर खड़े होने का मौका मिलता, मेरे सामने रफ़ी साहब, लता जी, सत्यजीत रे, ऐसे लोग कोई बैठे होते, मैं इसका आधा भी नहीं गा पाता जो आपने भी गाया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे का प्यार है, मेरे मम्मी पापा का और सभी लोगों का। मैं आपको मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि मैं आप लोगों के सामने भी कभी गाऊंगा।
आपकी लगता है बीवी का सपना, आपका सपना अपनी बीवी के लिए शायद सच हो जाएगा। थैंक यू सर। संजय जी, श्रेया कर दे। हम तीनों की तरफ से आज उन लोगों ने मेरे को हाँ करके, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो ये तो ऐसे बात है कि जैसे साक्षात ऊपर वाले के दर्शन हो गए होंगे।